कौन खिला रहा है? चलो चलो, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ओ सच्चिया देख रहा है तू, लेने वो भी मिठा घर में दूध दे भाई, एक चूटा तो मनवाए। वो मेरे आपा से चूटा नहीं लगवाया। सुन बैठने, ईद कैसे गुजरी आपकी? मुंबई से बड़ी कुछ गंदी गुजरी है। लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत ही गंदी गुजरी है। पुलिस की जा रही है, फौजी की गड्डी गई है। चीजी सबसे पहले आप सब मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आज का व्लॉग बनाना है हमने लॉकडाउन में, क्योंकि आप सबको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है। देखते हैं कैसे हम ईद अपनी सेलिब्रेट करते हैं लॉकडाउन में। ईद सेलिब्रेट की जाती है वो दिखाता हूँ। बड़ा अच्छी लग रही हो। बाकी मेरे भाई लोग आ रहे हैं, उनसे ईद मिलते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या हाल है? ईद मुबारक भाई जान, ईद मुबारक मेरी तरफ से सबको। ईद मुबारक जो जो देख रहे हैं व्यूअर्स को, स्टार्ट करना है और व्लॉग को आगे कंटिन्यू करना है। और मैं चलता हूँ बाहर के मनाजिर दिखाता हूँ, जो आमतौर पर जो लोग होते हैं अगर लॉकडाउन लगता है तो ईद कैसे मनाते हैं, और SOPs का ख्याल रखा जाता है या नहीं रखा जाता, ये आपको दिखाना है। आउटिंग के लिए आए हैं तो गाइज ये देख सकते हैं आप, इन दिनों में ये पार्क्स हैं। यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, मगर इन दिनों में बहुत कम है, देख सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन है। ये पार्क बंद है तो लोगों ने यहाँ पे आउटिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि इस ईद पे इतना रश नहीं है जो कि पहली ईद के मुकाबले में होता है। तो आप अब ये नहर के मनाजिर देख सकते हैं, ये तो हो गए पार्क्स के मनाजिर मैंने आपको दिखाए हैं। और अभी आपको बाज़ार में कितना रश होता है ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ। अभी मैं ड्रेस चेंज करके और बाहर की तरफ माहौल आपको दिखाता हूँ, लॉकडाउन की सिचुएशन में कैसे ईद मनाई जाती है इन दिनों में, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तुम फिर से आ रहे हैं, ये देख सकते हैं कि शॉप्स वगैरह बंद हैं, लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा है, दुकानें बंद हैं। मौसम देखें बड़ा प्यारा हो गया है। जैसा कि आपने देखे हैं कि ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो बंद हैं, वो लॉकडाउन को फॉलो किए जा रहे हैं, और लोग जो हैं ज़्यादातर अपने घर में बैठ के नहा रहे हैं, और कुछ कुछ जो आम बाहर निकली हैं जैसे कि हम निकले हैं बाहर, और बाकी के मनाजिर आपको दिखाते रहेंगे। अभी हमारा अपना प्लान बना है कि हमने कहीं जाना है इधर घूमने के लिए। मौसम अच्छा है, आप देख सकते हैं पीछे। तो वैसे ईद का मौका है तो हम बाहर थोड़ा आउटिंग करने आए हैं, घूमने फिरने आए हैं, और सुना है कि डैम के दरवाजे खुले हुए हैं, पानी काफ़ी इकट्ठा हुआ है, तो आपको दिखाते हैं। ये देखें गाइस, डैम का पानी फुल हो चुका है, और मौसम एंजॉय करने वाला है यार आज। देखें डैम का पानी भी रवा दवा है, और बारिश का मौसम है, और बारिश भी तकरीबन आ चुकी है। गाइस ये देखते हैं लड़के काफ़ी आए हैं मैं इधर वीडियोस बनाने के लिए। अभी हम इधर घूमने आए थे और बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी हम इधर रुके पड़े हैं। जब बारिश ख़त्म होती है तो हम घर की तरफ चलते हैं, और बाकी आपको जो मनाजिर होंगे ईद के वो आपको कैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाकी जो ईद के मनाजिर होंगे वो आपको दिखाएँगे, बाकी जो ईद में हम क्या कुछ करते हैं वो आपको दिखाएँगे बाद में जाके, जब तक बारिश नहीं रुकती। A few moments later. कौन खिला रहा है? चलो चलो, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ओ सच्चिया देख रहा है तू, लेने वो भी मिठा घर में दूध दे भाई, एक चूटा तो मनवानी। कोई नहीं, चूटा चूटा किधर जा रहे हो? हम घर में दूध ले ले, तू ले ले। तूने बैठने, वो मेरे आपा से चूटा नहीं लगवाया। तूने बैठने, ईद कैसे गुजरी आपकी? मुंबई से बड़ी कोई गंदी गुजरी है। लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत ही गंदी गुजरी है। पुलिस की जा रही है, फौजी की गड्डी गई है। चीजी आज आज आगे आज 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 आगे बहू है, बहू भाई ये डर रहा है कुत्ते से। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने आपको हर चीज़ दिखाई है, और कैसे हम ईद मना रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, मगर बनानी चाहिए हमको, एहतियात कीजिए। किसी ने मास्क नहीं डाला हुआ, मगर फिर भी एहतियात लाजमी हो रही है यहाँ पे।
हम भी एहतियात कर रहे हैं, आप भी करें और ईद इंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।